हेलो फ्रेंड, मैं हूं निक और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो फर्स्ट T20 मैच होने वाला उसका ड्रीम इलेवन टीम का। सो फ्रेंड, ड्रीम इलेवन टीम देखने से पहले आइए दोनों ही टीमों का प्लेइंग इलेवन देख लेते हैं, पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद ड्रीम इलेवन टीम देखेंगे। और एक बात मैं बता दूँ आप लोग के लिए, ये मैच जैकपॉट मैच हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहेगा। रीज़न ये है कि अभी IPL चल रहा है, बहुत लोगों का ध्यान IPL की तरफ है, इस मैच में ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे। सो यहाँ पे ग्रैंड लीग विन करने का आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सा प्लेयर लेना है, कौन सा प्लेयर छोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान टीम के प्लेयर का। तो देखिए आपको फ़खर जमान 100% खेलते हुए दिखाई दे देंगे, ओपनिंग तो नहीं करेंगे, नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आने वाले हैं। सो यहाँ से फ़खर जमान को आप जरूर अपने टीम में रखिएगा। लास्ट मैच जो अभी इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला था, फोर्थ टी ट्वेंटी में, जहाँ पर इन्होंने 60 रन आया था और उस सीरीज में बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहे थे। सो यहाँ से फ़खर जमान को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। बाबर आजम भी साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में रहे थे, ODI में भी, T20 सीरीज में भी। सो यहाँ से बाबर आजम को भी जरूर अपनी टीम में रखिएगा। और यहाँ से मोहम्मद रिजवान का बात किया जाए तो इन्होंने T20 में तो कमाल ही कर दिया, फर्स्ट मैच में 74 रन और जो थर्ड मैच खेला था वहाँ पर इन्होंने 73 रनों की बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। सो यहाँ से मोहम्मद रिजवान को भी जरूर अपनी टीम में रखिएगा। हफीज़ का बात किया तो हफीज़ कुछ खास फॉर्म में रहे नहीं थे फ्रेंड। मेन रीज़न ये है कि अभी देखिए पाकिस्तान टीम का जो टॉप 3 बैट्समैन है ये लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि हफीज़ को ज़्यादा गेंद खेलने के लिए मिल ही नहीं रहा है, एक मैच में तो बैटिंग भी नहीं मिला था आप देख सकते हैं। सो ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, फ़खर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। हफीज़ को अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, वैसे क्रेडिट का भी थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है इस मैच में, खास करके ड्रीम इलेवन पर डी अजीज़ नहीं खेलेंगे। बात किया जाए यहाँ से आसिफ अली का, तो आसिफ अली की जगह पे इस मैच में आपको उस्मान कादिर खेलते हुए दिखाई दे देंगे। सो आसिफ अली को गलती से भी अपनी टीम में मत लीजिएगा, वैसे भी आसिफ अली उतने अच्छे फॉर्म में रहे नहीं हैं। यहाँ से आपको हैदर अली का बात किया है तो हैदर अली बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है फ्रेंड, इनको आप लोग छोड़ दिए। इनका परफॉर्मेंस भी आप देख लीजिए कुछ मैचेस का, लास्ट के कुछ मैचेस का, 3 रन 12 रन 14 रन 15 रन 10 रन 21 रन 11 रन, बहुत ही बेकार फॉर्म में रहे। सो यहाँ से हैदर अली को आप छोड़ सकते हैं। फहीम अशरफ का बात किया है तो बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, पिछले मैच में जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ था उस मैच में 3 विकेट लेकर आ रहे हैं और जिम्बाब्वे की टीम का तो बैटिंग उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो मे भी यहाँ पे और भी ज़्यादा विकेट निकाल सकते हैं। सो यहाँ से फहीम अशरफ को अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ बॉलिंग के लिए लीजिएगा, बैटिंग का उम्मीद रख के अगर लीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इनको बैटिंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी पाकिस्तान टीम का जो टॉप 3 के बैट्समैन है वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सो इसी वजह से 5 नंबर 6 नंबर के बल्लेबाजों को उतना ज़्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से बात किया जाए हसन अली का, तो हसन अली अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे T20 सीरीज में, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग रहा था। सो यहाँ से हसन अली को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। शाहीन अफरीदी कमाल का बॉलिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो इनको भी जरूर अपनी टीम में रखिएगा। और यहाँ से हैरी श्रॉफ, ये 3 बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हैरी श्रॉफ, ये 3 ही आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे प्लेइंग इलेवन में। सो इन 3 को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। मोहम्मद हसनैन नहीं खेलेंगे, आवाज़ आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे, सो अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए मैं आपको सभी को बोल रहा हूँ ट्राई करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको अपने टीम में लूँगा, सबको लेना पॉसिबल नहीं है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किन प्लेयर को मैं अपने टीम में लूँगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 3-4 टीम भी बनाते हैं। सो ऐसा कर सकते हैं 3-4 टीम में कि थोड़ा बहुत चेंजेस कर करके मतलब 3-4 टीम भी बना लेते हैं। सो मैं भी आपको अपना आगे इस वीडियो में अपना मेन टीम दिखाने वाला हूं फ्रेंड। सो फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सो यहां से नवाज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। यहां से उस्मान कादिर भी एक बहुत ही अच्छा बॉलर है फ्रेंड, अगर खेलेगा तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप 3-4 टीम बना रहे तो एक टीम में आप जरूर उस्मान कादिर को भी रख सकते हैं। सरफराज नहीं खेलेगा, सरजील नहीं खेलेगा। बात कर लेते हैं यहां से जिम्बाब्वे टीम के प्लेइंग 11 का, तो बता दूं जिम्बाब्वे टीम ने अभी हाल ही में ही अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला था, UAE में T20 सीरीज था, जहां पे 2 मैच का मुझे परफॉर्मेंस मिल पाया फ्रेंड। आप देख सकते हैं कामून हुकवा आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि ब्रैंडन टेलर टीम में वापसी कर चुके हैं। सो ब्रैंडन टेलर का इस मैच में खेलने का ज्यादा चांसेस है। सो यहां से कामून हुकवा को फिलहाल मत लीजिएगा, रिस्की रहने वाला है फ्रेंड। मुसाकंडा आपको
खेलते हुए दिखाई दे देंगे, ओपनिंग करेंगे, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ से सीन विलियम्स को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा, जिम्बाब्वे टीम का इस वक्त का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है। सो ऐसे सीन विलियम्स को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। सुम्बा का देखिए इस मैच में खेलने का चांस बहुत कम है क्योंकि क्रेग इरविन आ चुके हैं। सो वो बहुत ही सीनियर प्लेयर है और अच्छा खेलते भी है। सो सुम्बा के जगह पर ही आपको क्रेग इरविन इस मैच में खेलते हुए दिखाई दे देंगे। सो सुम्बा को मत रखिएगा। सिकंदर रजा बात करें तो ये इंजरी की वजह से इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। सो सिकंदर रजा भी नहीं खेलने वाले। सो रजा को मत ट्राई कीजिएगा अगर कहीं गलती से आपको मिल जाए किसी ऐप पे तो। खैर ड्रीम इलेवन पे तो इनका नाम नहीं है लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे ऐप है जहाँ पे रजा का नाम शो कर रहा है। सो आप लोग गलती से भी सिकंदर रजा को अपने टीम में मत रखिएगा। रयान बर्ल का बात किया है तो रयान बर्ल एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है फ्रेंड, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, ऑलराउंडर है। मोटुम्बामी को मत लीजिएगा, कुछ खास प्लेयर नहीं है। यहाँ से नगरअबा को और मुजराबानी, ये दो प्लेयर आपके लिए बॉलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं। लास्ट सीरीज में दो मैच में 4 विकेट इन्होंने लिया था और मुजराबानी ने भी 2 मैच में 4 विकेट लिया था। सो यहाँ से नगरअबा और मुजराबानी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। त्रिपानो को छोड़ सकते हैं, मबूता को छोड़ सकते हैं और एफ अक्रम को भी छोड़ दिएगा, ये तीनों ही कुछ खास प्लेयर है नहीं। अब बात कर लेते पिच रिपोर्ट का, उसके बाद डायरेक्ट देखेंगे ड्रीम इलेवन टीम। तो देखिए ये मैच होने वाला हरारे में, और हरारे में जो आखिरी मैच हुआ था वो होता है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच 2016 में, यानी कि अभी से बहुत दिन पहले हुआ था फ्रेंड, मतलब बहुत दिनों के बाद हरारे में कोई मैच हो रहा है। और उस मैच का अगर बात किया जाए इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का तो 138 रन हाइस्ट गया था फ्रेंड, और जहाँ पर टोटल 12 विकेट, मतलब उतना ज़्यादा स्कोर इस मैच में नहीं गया था। पिच मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लो पिच है, यहाँ पर रन उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बात किया जाए तो टोटल इस मैच में 12 विकेट गिरा था जिसमें से 8 विकेट फास्ट बॉलर ने लिया था और 3 विकेट स्पिनर्स ने लिया था। तो ये आंकड़े देख के थोड़ा सा तो अंदाजा लग ही गया होगा कि यहाँ पे फास्ट बॉलर को ज़्यादा विकेट मिलता है फ्रेंड। सो देखिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमने ड्रीम इलेवन टीम तैयार किया हुआ है। तो आइए अब डायरेक्ट ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं। तो देखिए विकेट कीपर में आज मोहम्मद रिजवान और ब्रैंडन टेलर, ये दो प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टेलर आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे देंगे और यहाँ से मोहम्मद रिजवान भी ओपनिंग करेंगे और बहुत अच्छे फॉर्म में भी रहे थे साउथ अफ्रीका सीरीज में। और टेलर का बात किया है तो इस वक्त जिम्बाब्वे टीम का सबसे बेस्ट बैट्समैन अगर कोई है तो वो है ब्रैंडन टेलर, एक भरोसेमंद प्लेयर है। सो यहाँ से मोहम्मद रिजवान और टेलर को जरूर अपनी टीम में रखिएगा, सरफराज नहीं खेलेंगे और चकबा का चांस बहुत कम लग रहा है। बात करते हैं यहाँ से बैटिंग का, तो बैटिंग में आपके लिए बाबर आजम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप जरूर अपने टीम में रखिएगा। मोहम्मद हफीज का देखिए बैटिंग मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है क्योंकि 4 नंबर या फिर कभी कभी 5 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं और उतने अच्छे फॉर्म में भी नहीं, और इस मैच में थोड़ा सा क्रेडिट का भी अभी फिलहाल प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। तो इसी वजह से हफीज को नहीं लेंगे। यहाँ से फकर जमान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, इनको जरूर अपनी टीम में रखिएगा। क्रेग इरविन बहुत अच्छे प्लेयर है फ्रेंड, जिम्बाब्वे टीम की तरफ से बहुत सारे मैचेस खेल भी चुके, एक सीनियर प्लेयर है। सो क्रेग इरविन को भी आप जरूर अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा। सो यहाँ से बैटिंग में हम तीन ही बैट्समैन के साथ जाएंगे, बाबर आजम, फकर जमान और यहाँ से क्रेग इरविन। हैदर अली बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, इनको छोड़ दीजिएगा। सरजील खान नहीं खेलेंगे। डब्लू मदेवेरे आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे, ऑलराउंड प्लेयर है, अगर आप 2-3 टीम बना रहे तो एक टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। कामून हुक्का का चांस बहुत कम है क्योंकि ब्रैंडन टेलर आ चुके हैं, सो वही ओपनिंग करेंगे मूसा कुंडा के साथ। सो इनका कामून हुक्का के खेलने का चांस इस मैच में बहुत ही कम है। और जीज नहीं खेलेंगे। यहाँ से आसिफ अली का भी चांस बहुत कम है, इनके जगह पे उस्मान कादिर आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मारूनी का बात किया जाए तो मारूमन्नी का तो ये फिलहाल नहीं खेलेंगे। बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर में देखिए यहाँ से हमने सीन विलियम्स को अपने टीम में रखा हुआ है, ये मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है। आप चाहे तो फहीम अशरफ को भी ले सकते हैं अगर, लेकिन आपको एक बॉलर कम लेना पड़ेगा, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप ले सकते हो। सो यहाँ से फिलहाल के लिए सीन विलियम्स आपके लिए ऑलराउंडर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके अलावा नवाज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आर बर्ल का बात किया तो प्लेयर ये भी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। मसक दज्जा को छोड़ दिएगा, नहीं खेलेंगे। एम वसीम भी नहीं खेलेंगे, ऐसे जोंगवे भी नहीं खेलेंगे। बात करते बॉलिंग का, तो बॉलिंग में शाहीन अफरीदी, हसन अली और यहाँ से हैरी श्रॉफ, ये 3 बॉलर आपके टीम में होने चाहिए, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, हर मैच में विकेट निकालते हैं। बात क्या त्रिपानो का, तो त्रिपानो कुछ खास बॉलर है नहीं, खेलते हुए दिखाई दे सकता है लेकिन उतना कुछ खास बॉलर नहीं है। मोहम्मद हसनैन को छोड़ दीजिए,
उस्मान कादिर को अगर छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, आसिफ अली या फिर उस्मान कादिर में से कोई एक खेलेगा। मुजराबानी को आपको पता ही, हाल के दिनों में मुजराबानी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है फ्रेंड। और यहाँ से नगर अभा का बात किया तो ये भी प्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मेरे पास 9 क्रेडिट बचा होता तो मैं नगर अभा के जगह पर यहाँ पर फहीम अशरफ को अपनी टीम में ले लेता। अगर देखिए मैं किसी और ऐप पर खेल रहा हूँ जहाँ पर मुझे क्रेडिट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से नगर अभा के जगह पे फहीम अशरफ को जरूर अपनी टीम में रखूंगा। लेकिन फिलहाल ड्रीम इलेवन पे मैं नगर अभा को ही ले रहा हूँ। नगर अभा भी अच्छा प्लेयर है, लास्ट का 2 मैच में 4 विकेट लेकर आ रहा है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। सो अगर आप इनको लेंगे तो फायदा हो सकता है फ्रेंड। साथ ही साथ अरशद इकबाल नहीं खेलेंगे और इसके नीचे कुछ खास प्लेयर नहीं है जिनके बारे में बात किया जाए। आइए बात कर लेते कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो देखिए कैप्टन के लिए मैं बोलूँगा बाबर आजम आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही अच्छे फॉर्म में लगातार हर मैच में ही रन बना रहे हैं। आपने साउथ अफ्रीका सीरीज में देखा ही होगा। सो बाबर आजम को कैप्टन बना दीजिए। और वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पे या तो आप मोहम्मद रिजवान को बना दीजिए या फिर ब्रैंडन टेलर को बना दीजिए। ब्रैंडन टेलर भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है फ्रेंड, पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी इनका बहुत ही अच्छा है। सो इन दोनों में से किसी को ही बना सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगता है उसे आप बना सकते हो। मैं फिलहाल इस मैच में ब्रैंडन टेलर के साथ जाने वाला हूँ वाइस कैप्टन के लिए। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए 3-4 टीम बना रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, पहले टीम में तो कैप्टन आप बाबर आजम को बना दीजिए, वाइस कैप्टन ब्रैंडन टेलर को। दूसरे टीम में आप ब्रैंडन टेलर को कैप्टन बना दीजिए, वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान को बना दीजिए। तीसरे टीम में आप मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना दीजिए, वाइस कैप्टन फखर जमान को बना दीजिए। चौथे टीम में आप फखर जमान को कैप्टन बना दीजिए और वाइस कैप्टन क्रेग इरविन को बना सकते हैं या फिर सीन विलियम्स को। सो इस तरीका से कैप्टन वाइस कैप्टन को भी रोटेट करके, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप 4-5 टीम भी बना सकते हो फ्रेंड। क्योंकि आप अगर आप ग्रैंडली खेल रहे हो तो कम से कम मैं तो सजेस्ट करूंगा ग्रैंडलिंग में आप 5 टीम के साथ जरूर जाएं, क्योंकि एक टीम का भरोसा आप जाएंगे तो फिर ग्रैंडलिंग विन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है फ्रेंड। अगर आप ग्रैंडलिंग जीतना चाहते हो, अच्छा खासा अमाउंट जीतना चाहते हो, तो कम से कम अगर आप 5 टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हो तभी आप ग्रैंड लीग खेलो, वरना आप स्मॉल लीग ही ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। देखिए जो भी ग्रैंड लीग विन करता है वो कम से कम 10-11 टीम के साथ खेलता है फ्रेंड, तभी वो ग्रैंड लीग विन कर पाता है। सो अगर आप भी ऐसा कर सक, मैं तो कम से कम आपको बोलूँगा कम से कम 4 टीम के साथ आप जरूर खेलिएगा। और मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन ऑलरेडी आपको बता दिया, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो भी मैंने आपको बता दिया। सो आप 4-5 टीम भी बना सकते हो फ्रेंड। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ मैच से पहले अगर इस टीम में मुझे कुछ भी चेंजेस करना पड़े तो देखिए मैं जो भी चेंजेस करूँगा आप लोग को टेलीग्राम पर बता दूंगा। सो अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर बाय चांस लिंक पे क्लिक करने के बाद भी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको एक फ्रेश लिंक सेंड कर दूंगा टेलीग्राम का, ताकि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सको। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करोगे तो वहाँ पे हम लोग बात भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसका कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, साथ ही साथ रिप्लाई भी करूंगा, हर्ट भी दूंगा और लाइक भी दूंगा। सो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।